बहनें, मैं सीधी सच्ची बात करती होंगी, मेरी सारी बहनें सारी फ्रेंडें हो गई हैं झील, बस मैं ही नहीं गई हूँ। सबके फोटो पड़ गए हैं और फ्रेंड बुक पे भी सबके पोस्ट पड़ गए होंगे, बस मैं रह गई हूँ। कल मेरा मजाक बना रही थी कि तुम ही नहीं गई हो, सब हो गए होंगे, बहुत अच्छा है, ये है वो है, अब आदमी जाए तो पता चले। हाँ तो स्टेटस के लिए आदमी सब कुछ करता है, खानदान का हमारा जो ग्रुप है वो उस पे तो डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी? बबली को अल्लाह झूठ ना बुलाए, बबली को जो है बड़ी उल्टी चक्कर आते हैंगे झूलों पे। कुछ तो खुदा का खौफ खाओ भाभी, मैं चक्कर खाने वाली नहीं लाने वाली पार्टी हूँ। मुझे नहीं ले जाओगी झील तो तुम भी नहीं जाओगी, इसलिए बिचारी नहीं जाएगी। मतलब मैं तो फौरन, भैया मेरा तो खुला दिल है, मैं तो इफरात दिली से खर्चा करती हूँ, मुझे उसको ले जाने में क्या परेशानी थी, उसको परेशानी ना हो जाए इसलिए नहीं लेके जाएंगे, है ना? चलो ठीक है, तुम जल्दी आ जाना आज कारखाने से। एक मिनट, क्या हुआ, कुछ काम हैगा? काम और तुमसे, अल्लाह ना करे कि ऐसे दिन आए कि मुझे तुमसे काम पड़े। तुम्हारे धोबी के यहाँ से कपड़े आ गए थे, वो ला देने आई थी। हाँ तो रख के जाओ ना। हाँ जा रही हूँ, मुझे कौन सा यहाँ रुकने का शौक हैगा। A few moments later. अम्मी अम्मी, भाभी झील जा रही हैंगी। हाँ? अरे यहाँ को आके बता, वहाँ से क्या बुड़बुड़ा रही, मेरे को समझ में नहीं आ रही। अरे झील, अरे नहीं झील खुली हैगी। झील पे कुछ आ रही, किसके संग? भाई के साथ। अच्छा, ये बहुत सैर सपाटे सोच रहे हैं मियाँ के साथ बुरखा टांग और निकलने, तो उससे पूछा? ये मुझे क्यों पूछेगी, वो भाई से और मना कर रही थी कि उसको कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा रुक जा, आ जाए मैडम, पूछती हूँ। 5 minutes later. दुल्हन यहाँ आओ। जी। कहीं जा रही हो क्या? नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँगी। नहीं कपड़ों से मैंने पूछा, कपड़ा बड़ा जोर के पहनी हुई हो ना। मैं तो कहीं जा रही। अच्छा खैर, हमारे घर के तो ये तौर तरीके हैं नहीं, हमारी यहाँ की औरतें तो ऐसे जाती नहीं है जहाँ ऐसे मेलों नुमाइशों में। यहाँ के अजीब निराले अंदाज हैंगे, मैं के में तो किसी चीज की पाबंदी है ही नहीं, सब हो के आ गए हैं, मैं नहीं गई हूँगी बस। अरे दुनिया आग लगा के पानी पे दौड़ेगी तो तुम भी दौड़ोगी, दुनिया जाके गड्ढे में कूदेगी कुएं में कूदेगी तुम भी कूदोगी। अरे हिसाब किताब से चलता है आदमी, जिस जगह ब्याह के जाता है फिर वहाँ के तौर तरीके करता है, मैं के वाले छोड़ देता है फिर। तो अगर मैं के वाले तौर तरीके अभी भी आजमाओगी तो कैसे चलेगा? इस घर का तो अंदाज ही निराला है, यहाँ का सबसे मिसाल मिला देंगे। क्या कह रही हो? कुछ नहीं। नहीं कहती तो तुम बहुत कुछ हो, ये बुरबुरा के रह जाती हो, मुझे समझ में नहीं आता, कह तो तुम बहुत कुछ जाती हो, मुझे नन्ना जान रही हो। ये तो तरीके नहीं है। और Meanwhile, क्या आज तुमसे कहूँगी कड़ी बना लो, और वो नानी आने को कह रही थी तो मैंने कहा था कड़ी बन जाएगी, वो कड़ी को शौक से खाती है, तो मठा मंगाया के रखा था, वैसे होता तुम उठोगी तो तुमसे कहूँगी कि कड़ी चला लियो। तुमने बताया ना, कोई शक प्यारी भाभी? तुम्हारा तो मुझे मूड ही तेवरी पतले में लग रहा है, तुम्हारा तो कहीं जाने का मुझे प्रोग्राम लग रही है, तुम्हारा दिल बिठा जा रही है तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जाओ तो चली जाओ। अरे मैंने बता दिया मेरी मर्जी नहीं है बिल्कुल। मैं तो कहीं जा रही। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत दुरुस्त फैसला करा है, बहुत दुरुस्त, ऐसे ही होना चाहिए, बम्मों को अपनी सासों की बात पर गौर करना चाहिए, अपने घर के तौर तरीके अपने खानदान के तौर तरीकों के हिसाब से ही चलना चाहिए, तुमने बहुत बढ़िया करा, बहुत। चलो शाबाश, अब जाओ जल्दी से जाइए, कड़ी का ज़रा देख लो, मठा मंगा के रखा है मैंने, और कड़ी बड़ी देर में पकती है, तो ऐसा है वो जल्दी से बड़े वाले भगवने में और बाहर आंगन में रख दिए, बड़े वाले चूल्हे पर ढकना ढक के, क्योंकि गैस पर तो तुम घंटों में पकाओगी, बड़े वाले चूल्हे पर पका लो, नानी आऊँगी तो फिर वो ये होगा कि कड़ी कच्ची पक्की रह गई, वो बड़ा बुरा मानती है। A few moments later. खुश हो गई तुम?
मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बेचारी भाभी का दिल दुखवा के तुम खुश हो गई। अब उसका इतना समूह नहीं गया था, चली जाती तो क्या था। अब वो काम तो करेगी, कड़ी तो बनाएगी, इतनी बुरी बनाएगी मुँह पर रखने की नहीं होगी। यही वो चली जाती तो कल को बन जाती, खुशी खुशी पका लेती। मैं तुम्हारा भी देख रही हूँ, तुम भी आके मुझे बहुत भड़का रही हो बाबा के खिलाफ अपनी। बहुत गलत बात है। अरे उसके सहारे हम इस बुढ़ापे में, तुम्हारा तो 4 दिन में ब्याह हो जाएगा। वही इतनी शर्माने वाली क्या बात है? मैं 4 दिन का मतलब ये नहीं है कि 4 दिन, सालों की बात हो रही है। ब्याह के नहीं ले भैया, इस लड़की का दिल फड़का जाता है। ये पापड़ बेलने पड़ते हैं, तुम्हारी भावच बेल रही है। इतना आसान नहीं होता ब्याह। तुम समझो दुल्हन बन के लाली पाउडर लगा के 24 घंटे के लिए बैठ जाओगी, ऐसा नहीं होता है। दुल्हन पर बस 4 दिन का ही रहता है तो तुम्हारी भांचे खिल जाती हैं। जाके भावच की मदद कराओ अपनी। देखो जाके भाग जा रही होंगी, मदद कर देती हूँ। पूरा दिन मैं घर का काम करती हूँ कुछ ना कुछ। Meanwhile, एक ना एक इनके मेकअप का भी बना ही रहता है। और मैं जरा सा मेके चली जाऊं तो तुम मेके कितना जाती होगी, तुम्हारी अम्मी कितना आती हेंगी। मेरी अम्मी तो कसम खाने को कभी कभार आती हेंगी। फोन पे बात कर लो तो कितना फोन करती हो घर पे। इनकी बेटियां दिन में 24 घंटे करें तो कोई बात नहीं है, अब यही करता रहे आदमी। दूसरों की खिदमत में लगा रही है ना, मियाँ के साथ कहीं जाए ना कहीं आए ना कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। शादी के बाद तो मेरी और गत बन गई। पहले कहीं जाने का नाम लेती थी, अम्मी कहती थी ना अपने मियाँ के साथ जाना, शादी के बाद जाना हर जगह, मियाँ के साथ जाते हैं, मियाँ लेके जाते हैं। ये तो हमारी मियाँ वैसे कहीं नहीं ले जाते होंगे, और ये दो माँ बेटी और मेरी जान को बेड़ गई हैं। कहीं जाने का नाम लो दिल पे सांप लौटने लगते हैं। और अपना एक ऐसा रहता है जैसे कोई बात ही नहीं कहीं जाना आना। एक मिनट में माँ बेटियाँ तैयार हुई निकल गई, जैसी गायब होती हैं जैसे गधे के सर पे से सींग। ये मुझे हल्के में ले रही हैंगी, मेरा नाम भी डोली हैगा। हाँ मिया, मैं कह रही थी आज तो शायद नानी आ रही हैंगी, तो ऐसा है जब मैं मेके चलूंगी ना तो वहां से चलेंगे। हाँ नहीं, नानी बेचारी आ रही हैंगी, कड़ी अम्मी कह रही है पका लो बाहर चूल्हे पे, तो वही बनाने जा रही थी। मैंने कहा नानी आएंगी अच्छा नहीं लगेगा, मैं घर पे नहीं होंगी तो। हाँ ठीक है, जब मैं के जाऊंगी तब चलेंगे। ठीक है, कभी भी मियाँ से साथ नंदों की बुराई नहीं करनी चाहिए है। बुराई करोगी अपनी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि आखिरकार भाई उनकी माँ उनकी बहनें होती हैंगी।